डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के टॉपिक में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी श्वसन की जो क्रिया होती है, जो ब्रीदिंग की क्रिया होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है। हम अधिक तीव्र गति से सांस लेंगे, धीमी गति से सांस लेंगे, है ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे करेंगे, क्या उस पर कंट्रोल होगा, कौन करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ब्रीदिंग का कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो तरह से रेगुलेशन होता है ब्रीदिंग का। एक तो न्यूरल कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल, और दूसरा है केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो ब्रीदिंग यानी जो श्वसन की क्रिया होती है उसको दो तरीके से, दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक न्यूरल कंट्रोल होता है जो ब्रेन के द्वारा होता है, ब्रेन में उपस्थित जो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर, उससे होता है, और दूसरा केमिकल कंट्रोल होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूरल कंट्रोल के बारे में। तो न्यूरल कंट्रोल ब्रेन के द्वारा किया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, जिसको कि आप अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क हो गया। ठीक, और तीसरा जो है हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहा हमने, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो ब्रेन में कितने भाग होते हैं, तीन, अग्र मध्य और पश्चिम, फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन आगे का, मिड ब्रेन बीच का, और पश्चिम यानी हाइंड ब्रेन पीछे का। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। मस्तिष्क के कितने हिस्से, तीन हिस्से। अब ये कह रहा है कि इनके भी भाग होते हैं, फोर ब्रेन में दो पार्ट होता है, एक है सेरिब्रम जो सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा डायनसेफलॉन होता है, डायनसेफलॉन। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है। मध्य मस्तिष्क में कोई भाग नहीं होता है, लेकिन जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें तीन भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। कितने भाग हो गए, तीन पश्चिम मस्तिष्क में, जो हाइंड ब्रेन है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीन भाग हो गए। अब आपको यही डिनोट करना है, पॉन्स और मेडुला, ये जो दो भाग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं भागों में, ब्रेन के इन्हीं भागों में रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग जो कह सकते हैं कि जो सेंटर होता है वो पाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम फिगर के माध्यम से रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी जो सेंटर है उसको समझाने का प्रयास करते हैं मस्तिष्क में ही। तो इसको आप नोट कर लें। अब आगे देखिए, आगे एक मस्तिष्क का कौन सा भाग रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है वो यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सेरिबेलम है जो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग बनाता है, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम। जैसे इस रूप में हम खड़े हैं तो हम
इस साइड से आप जो है देख रहे हैं तो मस्तिष्क का ये हिस्सा सेरिब्रम है और इससे लगा हुआ मिड ब्रेन ऐसे होता है, ये मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क, ठीक, मध्य मस्तिष्क। इसके नीचे जब आप आएंगे तो पोन्स, पोन्स का भाग पाया जाता है, ये पोन्स है जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद करा है, ये जो हिस्सा होता है आपका वो आपका मेडुला है। क्या है? मेडुला। क्या कहा हमने? फिर से आप इसको देख लीजिए, ये आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ये है आपका सेरिब्रम और इसी के अंदर डायनसेफलॉन जो दिखाई नहीं देता है वो पाया जाता है, ये मध्य मस्तिष्क है। उसके नीचे पश्च मस्तिष्क में पॉन्स, मेडुला, और इसको बल्कि इधर हम शो कर देते हैं, ये मेडुला है, मेडुला, ठीक है। और इसी से लगा हुआ एक हिस्सा जो आपका थर्ड भाग होता है वो है तितली के पंख के नुमा, इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम, ठीक है। ये तीनों हिस्से क्लियर हो गए। अब आपको ये समझना है कि कहाँ पे रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर होता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप फेफड़े की संरचना को देखेंगे। सपोज करिए कि ये आपके फेफड़े हैं, ये फेफड़ा जो है, दोनों फेफड़े प्लीयूरा से घिरे होते हैं, पेराइटल प्लीयूरा और विसरल प्लीयूरा, ये दो लेयर झिल्ली होती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, ये आपका डायफ्राम है ना। और फिर साइड में जो है ये रिब्स पाई जाती हैं जो इंटरकास्टल मसल से घिरी होती हैं, इंटरकास्टल मसल से जुड़ी होती हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये आपकी रिब्स हैं जो ब्लैक से अभी हम दिखा रहे हैं, और ये जो है ये रिब्स है, रिब्स, और ये आपकी मसल्स हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे सेंटर से, जिसमें कि कह रहा है कि मेडुला के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम राहिम सेंटर बोलते हैं, राहिम रेस्पिरेटरी सेंटर, राहिम रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सेंटर, राहिम रेस्पिरेटरी सेंटर, यही जो है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो इस सेंटर से, रेस्पिरेटरी सेंटर से, कंट्रोलिंग सेंटर से ये न्यूरॉन्स निकलते हैं और जा करके इंटरकॉस्टल मसल्स और फिर डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं उनको ये एक सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और किसके लिए देते हैं? वो कंट्रैक्शन के लिए देते हैं कि वो संकुचित हों। जब ये संकुचित होंगी तो फेफड़े का जो आयतन है वो बढ़ेगा, यानी जो थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ेगा तो उसके पैरेलल फेफड़े का भी आयतन बढ़ेगा। जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो बाहर की एयर अंदर प्रवेश करेगी, तो इंस्पिरेशन हो जाएगा, इनहेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा हमने? इस सेंटर से जो है, राहिम सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर से इंफॉर्मेशन जाती है और वो जाती है इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स को, फिर ये संकुचित होती हैं, और जब संकुचित होती हैं तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका आयतन बढ़ेगा, उसके पैरेलल फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो बाहरी एयर अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। जब प्रवेश कर जाएगी तो ये जो समय होता है वो 2 सेकंड का होता है,
इतने सेकंड का, 2 सेकंड का। देखिए ब्रीदिंग में करें कि जो ब्रीदिंग की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 2 पॉइंट होते हैं। तो इंस्पिरेशन में 2 सेकंड का समय लगता है, एक्सपिरेशन में 3 सेकंड का समय लगता है, यानी 5 सेकंड की यह प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है ब्रीदिंग करता है, और छोटा बच्चा है तो 44 बार ब्रीदिंग करता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग का रेट जो है बढ़ जाता है। तो अब ये रहिम रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन हो गया, कितने सेकंड का इंस्पिरेशन? 2 सेकंड का, ठीक है, ये 2 सेकंड का हुआ। अब इसके बाद इस पर स्वयं का कंट्रोल नहीं होता है, यानी ये जो है सूचना देता रहेगा तो पता चलेगा कि यहाँ जो है फेफड़े का आकृति बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, हवा भर जाएगी और फेफड़ा फट भी सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर जो है पॉन्स के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, ये इसे स्टॉप करता है। इस RRC, इसको आप शॉर्ट में RRC बोल सकते हैं, RRC यानी रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर, है ना, रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर को जो है राहिम रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करता है, ये स्टॉप करता है। रुको, अगर रुकोगे नहीं तो पता चलेगा कि इसमें जो है वो सूचना जाती रहेगी और फेफड़े की आकृति बढ़ती रहेगी, उसका मतलब उसमें एयर भरती रहेगी, इंस्पिरेशन बंद ही नहीं हो। तो ये क्या करता है, इसको स्टॉप करता है। जब स्टॉप करता है तो एक्सपिरेशन होता है। क्या होता है? एक्सपायरेशन। जब एक्सपायरेशन होगा तो ये तीन सेकेंड का एक्सपायरेशन होता है, यानी जब हम हवा अंदर भरते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है, अब हम हवा भर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ऐसे भरते चले जाएंगे, पता चलेगा कि इसे कोई रोकने वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल करता है ये आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको कंट्रोल करता है ताकि फेफड़ा फटने से बच जाए और एक रेगुलेशन हो, नियमित अंतराल पे रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो, ठीक है। तो ये 2 और 3 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह से कह रहा है कि जो ये सेंटर होते हैं ब्रेन के अंदर, एक पॉन्स में होता है और एक मेडुला में होता है, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, दौड़ने के समय, खेलने के समय, व्यायाम के समय, सोने के समय, बैठने के समय, तैरने के समय, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जब अधिक रेस्पिरेशन की जरूरत हो इंस्पिरेशन की तो अधिक होगा, कम की कम होगा, तो ये सेंटर काम करते हैं। एक और सेंटर पॉन्स के अंदर होता है जिसको कि हम कहते हैं एब्नोस्टिक सेंटर। ये क्या करता है, ये इसका सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर का जो है एक सहयोग करता है और इस क्रियाओं को आगे पूरा करने में मदद करता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज जो है वो न्यूरल कंट्रोल के बारे में, यानी ब्रेन के अंदर जो है कौन सा कंट्रोलिंग पार्ट होता है, सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इसके बारे में चर्चा की। एक केमिकल कंट्रोल होता है, आगे हम उसको चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसको आप जो है तैयार कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये केमिकल कंट्रोल के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।